सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज शरद एंड यू आर वाचिंग जराड गुम। सो आज जो गाड़ी हम लोगों के सामने है गाइज, दिस इज दी ऑल न्यू 2023 टाटा नेक्सॉन। और ये जो वेरिएंट है दिस इज द क्रिएटिव वेरिएंट। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है इसके ऊपर क्रिएटिव प्लस एंड क्रिएटिव प्लस एस आता है जिसमें आपको सनरूफ मिल जाता है, बट दिस इज द क्रिएटिव वेरिएंट क्योंकि इसमें मतलब वैसा कुछ आपको मिलता नहीं है, बट फिर भी दिस इज अ वेरी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। अगर आपका बजट उतना है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वेरिएंट। सो टॉकिंग अबाउट द फ्रंट ऑफ दिस कार गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको टाटा का लोगो यहाँ पर मिलता है। फ्रंट लुक पूरा चेंज हो गया ऑन द टाटा नेक्सॉन। यहाँ पर आपको डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर मिल जाता है ओवर हियर विच ऑल्सो वर्क्स एज द DRL। सो DRL आप देख सकते हो इस तरफ आपको मिल जाता है। सो दिस इज द फ्रंट लुक। जो मेजर डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको कोई फॉग लैम्प्स नहीं मिलता है इस वेरिएंट में, तो कोई फॉग लैम्प्स आपको नहीं मिलेगा एंड कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और 360 डिग्री कैमरा आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द क्रिएटिव प्लस। क्रिएटिव प्लस में आपको ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द लुक ऑफ द फ्रंट। यहाँ पर आपको बाई फंक्शनल LED हेडलैम्प्स मिल जाता है, लोअर हाई बीम दोनों आपका LED है। और नीचे आप देख सकते हो इसका जो लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट बम्पर है इसमें आपको ये व्हाइट फिनिश मिल जाता है। सो कमिंग टू द साइड ऑफ द कार गाइज, ऑब्वियसली ये एक SUV है, कॉम्पैक्ट SUV है। सो व्हील क्लैडिंग तो आपको मिलेगा। टायर का जो प्रोफाइल है दैट इज 215/60R16। सो 215 सेक्शन का आपको टायर मिलता है। सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, ABS CVT या स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरियंट्स। यहाँ पर इस वेरियंट में 360 डिग्री कैमरा आपको नहीं मिलेगा। सो ऑब्वियसली आपको कैमरा यहाँ पर नहीं मिलता है, बट आपको यहाँ पर LED में टर्न इंडिकेटर्स मिलता है। जो ORVMs है दिस इज फिनिश्ड इन ग्लॉस ब्लैक। गाड़ी का जो बेल्ट लाइन है आप देख सकते हो दिस इज फिनिश्ड इन ग्लॉस ब्लैक एंड ये एकदम पीछे तक चला जाता है, गिविंग इट अ फ्लोटिंग रूफ डिजाइन। ये डुअल टोन वेरिएंट है गाइस। सो आप देख सकते हो इसका जो छत है दिस इज फिनिश्ड इन व्हाइट ग्लॉस ब्लैक में। आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटेना मिल जाता है एंड ऑब्वियसली रूफ रेल मिलता है, बट कोई सनरूफ आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। टॉकिंग अबाउट द रियर व्हील्स गाइस, सेम प्रोफाइल है 215/60R16 और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द रियर सेक्शन ऑफ द कार, यहाँ पर आप देख सकते हो यू गेट दिस न्यू कनेक्टिंग टाइप टेल लाइट्स ऑन द न्यू नेक्सॉन। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है ऑन दिस वेरिएंट, टाटा का लोगो है। यहाँ पर इस वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आपको वाइपर मिल जाता है एज यू कैन सी। वॉशर ऑब्वियसली आपको मिलेगा, डुअल पार्किंग सेंसर आपको मिलता है। इसका जो इंडिकेटर है आप देख सकते हो वो भी आपको डायनेमिक स्वाइप मिलता है। ब्रेक लाइट आपको LED में मिलता है, बट इसका जो रिवर्स लाइट है दैट इज फिनिश्ड इन हैलोजन। रिफ्लेक्टर आपको वहाँ पर मिल जाता है। बूट रिलीज का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। सो इफ यू जस्ट प्रेस दिस बटन, एक बार इसको अनलॉक कर लेते हैं गाइस गाड़ी को। सो एक मिनट, सो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको इसका जो बूट है। सो यहाँ पर बूट अगर हम लोग चेकआउट करेंगे 382 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है। यू गेट अ पार्सल शेल्फ ओवर हियर। यहाँ पर आपको कोई 60-40 स्प्लिट नहीं मिलेगा, बेंच टाइप सीट्स है। यहाँ पर आपको दो हुक्स मिल जाते हैं ऑन दिस साइड। यहाँ पर आपको एक बूट लैंप मिल जाता है, बट कोई आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा, सॉकेट नहीं मिलेगा, बट दो आपको यहाँ पर हुक्स मिलता है विच कैन कैरी अप टू 3 kgs ईच। यहाँ पर आपको पॉकेट मिलता है, यहाँ पर आपको स्टेप्स मिल जाता है, सो यू कैन कीप थिंग्स हियर ऑल्सो। सो बूट का जो इन्फॉर्मेशन है ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया, आप मुझे ज़रूर बताइए आपको बूट स्पेस कैसा लगा। सो चलिए गाइज अभी चलते हैं रियर सीट पे। सो रियर डोर अगर मैं ओपन करूँ गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो डुअल फिनिश आपको मिलता है, दिस इज इन वाइट एंड दिस इज इन ब्लैक। क्रोम पे डोर हैंडल मिलता है, ट्विटर प्लेसमेंट हियर, स्पीकर प्लेसमेंट हियर, वाटर होल्डर आपको यहाँ पर मिलता है एंड यू गेट अ पावर विंडो स्विच ओवर हियर। कमिंग टू द सीट्स गाइज, आप देख सकते हो डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलेगा एंड यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट है, बट कोई लेदर फिनिश आपको नहीं मिलेगा। फैब्रिक में आपको सीट्स मिलता है विद वाइट स्टिचिंग ओवर हियर। सो अभी चलते हैं गाइज गाड़ी के अंदर एंड करते हैं डोर बंद। सो टॉकिंग अबाउट द लेग रूम गाइज, ये जो सीट है दिस इज अकॉर्डिंग टू अ मीडियम ड्राइविंग पोजिशन एंड मुझे लेग रूम अच्छा खासा मिल रहा है। इवन दी अंदर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो रियली गुड। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे आपको डुअल AC वेंट्स मिलता है, बट कोई चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तीन बंदे इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है, दो बंदे तो और भी आराम से बैठ सकते हैं। एंड इस वेरिएंट में आप देख सकते हो आपको कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, फियरलेस से आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है। ऊपर अगर हम लोग देखेंगे यू गेट अ डोर हैंडल अलॉन्ग विद अ हुक एंड यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है अलॉन्ग विद अ डोर हैंडल। टॉकिंग अबाउट द हेडरूम ऑफ दिस कार गाइज, हेडरूम आप चेकआउट कर लीजिए, हेडरूम इज रियली गुड। जो मतलब पहला नेक्सॉन था सेम है, कोई भी उसमें आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। सीट का जो रिक्लाइन एंगल एंड जो कम्फर्ट है दैट इज ऑल्सो रियली थम्स अप। सो इन माई ओपिनियन गाइज, अगर आप पीछे सवारी करते हो देन यू विल बी एब्सोल्युटली कम्फर्टेबल ऑन द न्यू नेक्सॉन। और एक जो चीज़ आप नोटिस करेंगे, इसका जो रूफ है दिस इज फिनिश्ड इन व्हाइट कलर, फियरलेस वेरियंट में आपको ये ब्लैक कलर में मिलता है। सो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं सामने। सो सामने में भी इस गाड़ी में आपको फीचर्स बहुत सारा मिल जाता है। सो क्या क्या आपको मिलता है मैं सामने जाके आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रंट डोर ओपन करने से पहले गाइज आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा।
अंदर अगर हम लोग देखेंगे यू गेट डुअल फिनिश ओवर हियर, दिस इज इन व्हाइट, ये भी आपको व्हाइट पे मिलता है, दिस इज फिनिश्ड इन ब्लैक। क्रोम पे डोर हैंडल आपको मिलता है, ओआरवीएम का कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर एक बॉटल होल्डर मिलता है, यू गेट एन अम्ब्रेला होल्डर हियर, ट्विटर प्लेसमेंट हियर, स्पीकर प्लेसमेंट हियर, एंड आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, यू कैन कीप योर थिंग्स हियर। पावर विंडो का स्विचेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट द सीट्स गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फैब्रिक फिनिश में सीट्स मिलता है, डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलेगा, एंड सीट क्वालिटी इज रियली गुड, आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, सीट क्वालिटी इज रियली गुड, सॉफ्ट सीट से ज्यादा हार्ड नहीं है। इस वेरिएंट में आपको सीट हाइट एडजस्ट मिलता है, एंड यहाँ पर आपको बैकरेस्ट एडजस्ट मिल जाएगा, एंड ऑब्वियसली लीवर आपको मिलेगा टू पुश द सीट फ्रंट एंड बैक। यहाँ पर कोई बटन आपको नहीं मिलता है गाइस, सिर्फ आपको यहाँ पर एक पॉकेट मिल जाता है, यू कैन कीप योर थिंग्स हियर। सो चलिए गाइस अभी बैठते हैं अंदर, एंड लेट्स क्लोज द डोर ओवर हियर। सो द डोर्स क्लोज विद द प्रॉपर थर्ड गाइस, नो प्रॉब्लम देयर। सो ये मैनुअल वेरिएंट है गाइस, सो यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द कार वंस। सो द कार हैज स्टार्टेड, मतलब बहुत ही स्मूथ इंजन है, कोई भी उसमें आपको लगेगा नहीं कि ये थ्री सिलेंडर इंजन है। सो फिलहाल अभी डैशबोर्ड के बारे में अगर बात करूं गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ट्रिपल पैटर्न मिलता है। सो ये आपका ब्लैक है, यहाँ पर आपको ये सिल्वर लाइनिंग मिल जाता है, ओवर हियर यू गेट दिस सॉफ्ट टच मटेरियल, बट मतलब सॉफ्ट टच नहीं है, लेदरेट फिनिश है, बट सॉफ्ट टच आपको नहीं मिलेगा। स्टिचिंग आपको यहाँ पर मिलता है। एक बार एसी ऑन कर लेते हैं गाइस, सो लेट मी जस्ट ऑन द एसी, एंड इसका टेम्परेचर भी थोड़ा घटा देते हैं। सो एसी तो मैंने ऑन कर लिया गाइस, द एसी इज वेरी नाइस, एकदम चिल कर देता है कैबिन। अभी फिलहाल ग्लव बॉक्स के बारे में अगर बात करूं गाइस, ग्लव बॉक्स में आप देख सकते हो आपको कोई लाइट नहीं मिलेगा, बट और कूलिंग फंक्शन भी आपको नहीं मिलेगा, बट स्पेस के हिसाब से इट्स रियली गुड, नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। यहाँ पर आपको ये 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है ऑन दिस वेरिएंट। सो ये तो आप लोगों को पता है हार्मन का जो सिस्टम आता है, यू गेट 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स ऑन दिस कार। यहाँ पर आपको वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एपल कारप्ले मिलेगा, वायरलेस आपको नहीं मिलेगा, एंड एज यू कैन सी टच रिस्पॉन्स इज गुड, बट हाँ थोड़ा सा लैग है, दैट इज वॉट आई मस्ट से ऑन दिस कार। सो अगर आपको ये सिस्टम नहीं चाहिए देन आप अपर वेरियंट में जा सकते हो, वहां पर आपको वो 10 इंच का सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर आपको 2 AC vents मिल जाए, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको टच कंट्रोल्स मिलेगा फॉर योर एसी, ये आपका हैजर्ड लाइट का स्विच है, दिस इज टू ओपन योर बूट, ये आपका सेंट्रल लॉकिंग का बटन है, ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल करने का लीवर है, दिस इज योर ब्लोअर कंट्रोल, यहाँ पर आपका ऑटो एसी ऑन करने का बटन है, दिस इज टू स्विच ऑन योर एसी, आपका एसी ऑफ करने के लिए, कहाँ पर आप एयर भेजना चाहते हो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, दिस इज योर मैक्स डिफॉगर स्विच, और यहाँ पर आपका एयर सर्कुलेशन ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाएगा। एक चीज आप नोटिस करेंगे, इस वेरियंट में आपको कोई एक्सप्रेस कूलिंग नहीं मिलेगा, एक्सप्रेस कूलिंग आपको फ्यूएलएस वेरियंट से मिलता है, सो कीप दैट इन माइंड। यहाँ पर गाड़ी का चाबी है, सो क्लासिक टाटा की, 4 बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर नीचे आपको 3 पोर्ट्स मिलता है, यू गेट अ यूएसबी टाइप ए पोर्ट ओवर हियर, एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एंड एक यूएसबी टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है। यू गेट अ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑन दिस कार, ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है, और इस गाड़ी में ऑब्वियसली एज यू नो कोई 360 डिग्री कैमरा अवेलेबल नहीं है, बट इसका रिवर्स गियर एक बार चेकआउट कर लेते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा अवेलेबल है, सो एज यू कैन सी आपको यहाँ पर एडेप्टिव गाइडलाइंस मिल जाता है, एंड कैमरा का क्वालिटी इज गुड, आई वोंट कंप्लेन, इट्स प्रीटी गुड, आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड मिल जाता है, इको स्पोर्ट एंड सिटी, डुअल कप होल्डर्स ओवर हियर, यहाँ पर भी आपको एक कप होल्डर और थोड़ा स्पेस मिल जाता है, एंड आप एक चीज नोटिस करेंगे आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, एंड कोई आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा। एक मैनुअल हैंडब्रेक आपको मिल जाता है, ऊपर आपको मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम मिलता है ओवर हियर, यू गेट अ लाइट ओवर हियर फिनिश्ड इन एलईडी, यहाँ पर आपको मिलेगा एक मिरर बट कोई लाइट नहीं मिलेगा, एंड ओवर हियर एज यू कैन सी आपको एक टिकट होल्डर मिलता है, कोई लाइट और मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील गाइस, स्टीयरिंग व्हील सेम है, यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो मिलता है। ओवर हियर यू गेट योर बटन्स टू कंट्रोल द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओवर हियर, यहाँ पर आपको कॉल रिसीव और डिक्लाइन करने का बटन, एंड टू कंट्रोल द इंफोटेनमेंट सिस्टम ओवर हियर। यहाँ पर आपको ऑटो वाइपर्स आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल सा वाइपर्स आपको मिलता है, ऑटो रेन सेंसिंग आपको नहीं मिलेगा, एंड यहाँ पर आपको हेडलाइट का कंट्रोल्स मिल जाएगा। अभी बात करते हैं गाइस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, सो एज यू कैन सी यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और यहाँ पर आपका टैकोमीटर है, एज यू कैन सी यहाँ पर आपका गाड़ी का टेम्परेचर लेवल, एंड दिस इज योर फ्यूल लेवल ओवर हियर। गाड़ी का जो वार्निंग साइंस आप देख सकते हो प्लेस्ड ऑल ओवर, ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको टाइम दिखा रहा है, दिस इज योर टोटल ओडो रीडिंग, कौन सा ड्राइव पोर्ट पे आप है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, दिस इज योर डिस्टेंस टू एम्प्टी, एंड दिस इज योर सीट बेल्ट रिमाइंडर ओवर हियर। ये जो इन्फॉर्मेशन है गाइस वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, सो एज यू कैन सी यू कैन स्क्रोल फ्रॉम हियर। सो व्हीकल इन्फो में अगर आप ये प्रेस करेंगे देन आप देख सकते हो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, पावर एंड टॉर्क, डेट एंड टाइम, इसको फिर से प्रेस करेंगे देन नोटिफिकेशन, लेआउट सेटिंग्स, ट्रिप इन्फो, ट्रिप इन्फो में अगर आप जाएंगे ट्रिप ए का इन्फॉर्मेशन, बी का इन्फॉर्मेशन, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, फिर आप यहाँ पर बैक जा सकते हो। सो दिस इज अ गुड यूनिट गाइस, अगर आपका बजट क्रिएटिव का ही है देन आप जरूर इस वेरियंट पे जा सकते हो, दिस इज अ वेरी गुड यूनिट, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। टॉकिंग अबाउट द विजिबिलिटी, विजिबिलिटी इज रियली गुड, आप देख सकते हो बॉनेट इज इजीली विजिबल, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं हो रहा है मुझे, एंड इवन द विजिबिलिटी एट द बैक इज ऑल्सो रियली गुड।
यहाँ पर साइड विजिबिलिटी इज ऑल्सो रियली रियली नाइस, सो नो कम्प्लेन्स देयर। सो गाइज, दिस इज माई डिटेल्ड इंटीरियर रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू 2023 टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव वेरियंट, जिसमें आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, बिकॉज इट विल रियली हेल्प द वीडियो एंड ऑल्सो द चैनल। सो गाइज, दिस वॉज माई डिटेल रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू 2023 टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव वेरियंट। सो गाइज, इसका जो अपर वेरियंट है विच इज द क्रिएटिव प्लस, उसमें आपको फीचर्स बहुत सारा मिलता है। उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, देन आपको बड़ा सा एक टच स्क्रीन मिल जाता है। सो वो सब अगर आपको चाहिए देन आप जरूर क्रिएटिव प्लस में जा सकते हो, एंड उसके ऊपर अगर आपको सनरूफ चाहिए देन आप क्रिएटिव प्लस एस में जा सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा सा वेरिएंट है अगर आपको उतना बजट नहीं है, एंड आपका अगर ये सब में काम चल जाएगा देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वेरिएंट। प्राइस विल कम ऑन योर स्क्रीन ऑब्वियसली, उस हिसाब से आप बेस करके ये वेरिएंट आप खरीद सकते हो। सो दैट इज मी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे गाइज, आई विल डेफिनेटली सी इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। सो आई विल डेफिनेटली सी इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन चाओ।